फिर गिट्टी भराया, फिर उसे कई बार पिचिंग किया गया, तो इतनी मोटाई, 1 से 1.5 फीट की मोटाई। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपडेट है वो है पावापुरी हॉल्ट फ्लाईओवर, मतलब बिहार शरीफ जंक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो एक स्टेशन है पावापुरी हॉल्ट, या बिहार शरीफ रामचंद्रपुर बस स्टेशन से आगे बढ़िएगा तो ये फ्लाईओवर आपको चढ़ने के लिए फ्यूचर में मिलेगा। मैं उसी का अपडेट दे रहा हूँ और पावापुरी से लेकर के यहाँ तक का 4-5 किलोमीटर का जो भी डिस्टेंस है मैं एक वीडियो में अपडेट दिया हूँ। दोनों लेन यानी 4 लेन कम्प्लीट हो चुका है, 2 लेन आप जो देख रहे हैं जो कि ऑपरेशनल है, 2 लेन बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्लाईओवर चढ़ करके और पूरा अपडेट देने का। तो हमारे साथ एक बहुत आज खुशनसीबी की बात ये हुई कि UMG है एक सर का, नाम तो सर का नहीं जानते हैं, तो वो हमसे मिले और उनसे मिलकर अच्छा लगा। अगर सर वो वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फ्यूचर में आपसे फिर मिलूँगा। मैं नाम नहीं जाना था इसीलिए मैं नाम नहीं ले पाया आपका, लेकिन आपका चैनल का नाम मालूम है इसीलिए। तो मैं अपडेट देने के क्रम में ये जो अप्रोच रोड जो आप देख रहे हैं मैं इसी का अपडेट दे रहा हूं। तो चलिए आगे देखता हूं कि अप्रोच रोड का प्रोग्रेस कहां तक है, क्या है क्या नहीं। वैसे तो आपको दूर से ही दिख रहा होगा कि देखिए किस तरीके से एकदम जो है कि मिट्टी का भराव हो रहा है और आगे में पिलर कैपिंग का भी काम हो चुका है और इस साइड काम चल रहा है। और मैं इस साइड आपको जो दिखा रहा हूँ कि देखिए मिट्टी भी भरा जा चुका है जो कि आपको बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन इस साइड है एंटी लाइट है जिसकी वजह से मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ और मैं आपको इस साइड दिखा रहा हूँ। और एक अपडेट के माध्यम से आपको अपने बिहार का और बिहार के प्रोजेक्ट का डिटेल देना चाहता हूं। तो जो भी अप्रोच रोड का आप काम देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है काम को देख करके कि पिलर का काम जो बाकी है, जो पिलर पर गड्ढा रखने का काम बाकी है, फिर आप दूर से देख रहे हैं कि एक तरफ का पिलर कैपिंग का काम हो चुका है और एक तरफ का बाकी है, जिसकी वजह से जो है कि इन अप्रोच रोड का भी काम बाकी है। क्योंकि अप्रोच रोड में तो उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले जो मैं आपको रोड दिखाया तो इससे पहले आया था तो 2 लेन कंप्लीट था और अभी आया तो 2 लेन भी जो बचा हुआ था वो भी कंप्लीट हो गया, यानी 4 लेन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं वर्क प्रोग्रेस और आगे का अपडेट। दूर से आप देखिए कि कैसी गाड़ियों का रेस लगा रहता है और जो आप बेहतर देख रही है धूल और धड़क्का इस तरीके से कंटिन्यू, क्योंकि एक रेस के माध्यम से लोग एकदम अलबलाए हुए हैं। हालाँकि जान है कि सिंगल रोड है लेकिन लोग फिर भी अलबलाए रहते हैं, देखिए कैसे किस तरीके से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कंटिन्यू आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी मिट्टी भराई का भी काम बाकी है और मैं इसके कंटिन्यू अपडेट के क्रम में आपको पावापुरी हॉल्ट तक अपडेट दूंगा जो कि रेलवे लाइन रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ तक, क्योंकि उसके बाद अगर वर्क हो रहा होगा तो दूंगा। इससे पहले तो आया था तो वर्क नहीं था, लेकिन चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 पाया इस तरफ और 4 पाया और 2 पाया का भी काम बाकी है, लेकिन टोटल 8 पाया का। तो ये जो देख रहे हैं आप ये रोड सीधे चली जाती है, आप अगर इस रास्ते से जाइएगा तो बड़बीघा चले जाइएगा या फिर इसी से फिर आप बाहर बाहर मतलब लेफ्ट साइड जाइएगा तो आप बख्तियारपुर साइड चले जाइएगा और सीधे राइट साइड जाइएगा आप तो बड़बीघा होते हुए शेखपुरा चले जाइएगा। और इस रोड से भी आप शेखपुरा जा सकते हैं और इस रोड से भी जा सकते हैं, बीच में आपको बिहार शरीफ और बड़बीघा शेखपुरा लाइन का रेलवे क्रॉसिंग मिलेगा। और ये जो आप काम देख रहे हैं तो यहाँ पर यही प्रोग्रेस है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और चलिए और आगे भी दिखाता हूँ कि काम यहाँ कितनी तीव्र गति से और तेज़ से हो रही है। तो एक सीध में दिख रहा होगा आपको कि कैसे काम चल रहा है यहाँ पे और इसे भी बहुत जल्द पूरा करना है। ये अप्रोच रोड है, ये इसी के लेवल में आकर के फिर ये पिलर के पास जब पिलर कैप बन जाएगा तो गटर लॉन्चिंग का काम और ढलिया हो जाएगा तो ये इस साइड से दोनों उड़ जाएगा, इसलिए है कि ये रोड गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर सके, इसीलिए यहाँ पर पिलर दिया गया है और बीच में पुल दिया गया है और इसे अप्रोच रोड को हाइट पर फिर उसे मिला दिया जाएगा। और यहाँ पर भी सॉइल फिलिंग का काम चल रहा है जो कि आप बेहतर देख रहे हैं। तो देखिए आगे मैं फिर से उनके चैनल का नाम बता दूं कि UMG टेक उनका चैनल का नाम है और नाम तो नहीं मालूम है, वो सर हमसे मिले और थोड़ा सा अच्छा लगा हमें उनसे मिल करके। तो देखिए वो जो मैं बेल्ट बताया था आपको कि वो बेल्ट से मिट्टी को कसा जाता है और इस तरीके से इसमें वो बेल्ट को फंसाया जाता है जो कि आप देख रहे हैं और उस तरीके से मिट्टी को टाइट किया जाता है ताकि फ्यूचर में कभी भी मिट्टी भसके तो एक लेवल का भसके, ना कि सारा का सारा भसके। तो चलिए देखते हैं आगे कवर कंप्लीट। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है जो कि आप देख रहे हैं, ये जो पुराना वाला रोड है, देखिए पहले पुराना रोड कैसे होता था, ईटा का था, फिर गिट्टी भराया, फिर उसे कई बार पिचिंग किया गया तो इतनी मोटाई, 1 से 1.5 फीट की मोटाई है, इस तरीके से फिर इसे खाली कर करके या कहीं और भेज करके और उसी तरीके से फिर इस पर नया मिट्टी भराएगा, फिर ढलैया होगा, जो भी होगा वो तो आगे का आगे चलेगा। तो चलिए देखते हैं आगे कवर का अपडेट। और इस तरीके से जो कि आप देख रहे हैं कि इतनी हाइट पर सॉइल फिलिंग होगी और ये लगभग सॉइल फिलिंग की बात करूँ तो कम से कम अगर होगी तो 20 फीट से कम नहीं होने जा रही है सॉइल फिलिंग यहाँ पे, जो मैं हाइट बता रहा हूँ वो तो आगे और पीछे कम हो सकता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ,
लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं चल रहा हूँ वहाँ की बात बता रहा हूँ। देखिए गाड़ी की कम है, ये गाड़ी ही कम से कम 12 फीट की होगी, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोग्रेस। तो जो पिचिंग का काम है वो बेहतर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इसे पिचिंग किया जाता है, मतलब ये सॉइल फिलिंग जो किया गया, जो भी मलिया मट्टी बालू कहिए कुछ भी कहिए, तो इसे भर करके उस तरीके से पिचिंग की जाती है, जो कि आप बेहतर देख रहे हैं। और ये जो गाड़ी है इसी से जो है कि ये मट्टी बराबर करके के फिर बाद में रोलर चढ़ा करके उसे बराबर किया जाता है। देखते हैं आगे का प्रोग्रेस, क्या पोजीशन आगे का। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक अंडरपास बन रहा है ये अप्रोच रोड के नीचे नीचे, जो गाड़ियाँ को मतलब आपको टर्निंग लेने के लिए ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप आराम से ले सकते हैं। फिर मैं आगे वाले पे चलूँगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगा। पहले देखता हूँ कहाँ पे हमें उतरने का और चढ़ने का रास्ता मिलता है, उस हिसाब से मैं फिर आगे का अपडेट दूंगा। इस तरीके से जो आप देख रहे हैं तो इसकी भी हाइट लगभग हमें लगता है कि 8 मीटर से कम नहीं होगा, लेकिन आगे से उतरने का जगह नहीं है। फिर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ और कुछ अपडेट दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो आप मट्टी बालू देख रहे हैं तो ये जो है ना, ये हल्का सीमेंट टाइप का है, क्योंकि जब बारिश होती है तो मैं एक बार मिठापुर मोहली का अपडेट दे रहा था तो मैं इसमें धंस गया था, तो ये देखने में ऐसा लगता है, लेकिन अभी पानी पड़ेगी ना तो ये सब ठोस सीमेंट टाइप का हो जाएगा, जिसमें कि पैर घुसेगा तो धंस जाएगा, फिर जो भी चीज़ जो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है, चप्पल वगैरह, या फिर गाड़ी फंस गया तो गाड़ी जल्दी निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हैं दूर से ही देख लीजिए, ऐसे आगे उतरने का जगह नहीं है, तो नहीं तो मैं जाता आगे। तो इसी तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मैं पूरा अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं आपको जो यहाँ से पिलर जो बना हुआ है तो उसका गटर लॉन्चिंग का भी काम हो चुका है, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा। चलिए मैं पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है यही पावापुरी का मेन क्रॉसिंग है, पावापुरी हॉल्ट का, जो कि आप देख रहे हैं ये सामने में जो दे है पावापुरी हॉल्ट स्टेशन है इस साइड में। और इस तरीके से यहाँ पर जो बन रहा है ये फ्लाईओवर का ही सारा अप्रोच रोड था, जो कि मैं आपको एकदम उस साइड से लेकर के आया, लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर, यही भी यहाँ पर थोड़ा बहुत पिलर की संख्या है, जो कि मैं आपको और आगे चल कर दिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं आगे का अपडेट। यहाँ पे भी आप बेहतर देख रहे हैं कि लोहे का बड़े बड़े गटर ला करके रखे हुए हैं और बहुत मजबूत, जो कि जिसकी अगर चौड़ाई की बात करूँ तो 2 इंच है कम से कम एक वहाँ का, और इसकी पूरी लेंथ की बात करूँ ऊपर से लेकर नीचे तक तो कम से कम 4 फीट का है, और इस साइड तो 20 फीट से ज़्यादा ही है। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं 20 फीट, क्या हमें लगता है कि 10 मीटर से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, एक अप्रोक्स मैं लेंथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं और आगे यहाँ इसका वर्क प्रोग्रेस। तो यहाँ पे भी अभी देख रहे हैं कि पिलर का काम चल ही रहा है, जो कि अभी पिलर अभी बेस का काम होगा, इसे तोड़ के बेस बनाया जाएगा, फिर आगे काम होगा। और इस तरीके से यहाँ तो पिलर पूरी अच्छे तरीके से खड़ी है, चलिए देखते हैं आगे। और इस तरीके से मैं पूरा अपडेट देने की कोशिश किया, सीधे आप चले जाइएगा तो जस्ट यहाँ से बिहार शरीफ थोड़ा ही सा आगे 1 किलोमीटर, और आगे अभी किसी तरह का वैसा काम नहीं चला, जो भी था मैं अपडेट दे चुका हूँ। और इस साइड से मैं पूरा आपको पावापुरी हॉल्ट का और यहाँ पे जो भी जगह का नाम है तो मैं पूरा अपडेट देने की कोशिश किया। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।